गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी डिप्लोमा सेकंड ईयर का लिए है ये एनएसआईडी ड्रग है बी फार्मा सेकंड ईयर, ठीक है। बी फार्मा सेकंड ईयर है एनएसआईडी ड्रग है। हम कुछ कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम लोग क्या करना है प्रॉपर्टीज पर बताना है, डॉक्टर का व्यू, बाकी सब पर क्या करना है स्ट्रक्चर पर बताना है, ठीक है। तो एनएसआईडी ड्रग का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये नॉन स्टेरॉयडल ड्रग होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है, ठीक है। जिसका यूज होता है एंटी इंफ्लेमेशन में, पेन वगैरह में, ठीक है, अर्थराइटिस में, इसमें इस कैटेगरी के मेडिसिन का यूज होता है। जिसमें सबसे पहले मेडिसिन देखेंगे मेटोक्सेक्सिन। ठीक है, इसका बता के स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका मेटोक्सेक्सिन है, ये मेटोक्सेक्सिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका है एलोकेशन इन टू ब्रैकेट में वन इन स्मॉल ब्रैकेट फोर क्लोरो बेंजोइन ब्रैकेट क्लोज फाइव मेथॉक्सिन टू मिथाइल इंडोल थ्री ऑइल ठीक है। ये इसका आईयूपीएसएन है इंडोमेथॉक्सिन का। अब इसका हम क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज है इसका, ये क्या रहेगा पेज येलो, पेज येलो इस लाइन का ऑर्डर रहता है, इस लाइन ऑर्डर रहेगा, ठीक है। पेज येलो इस लाइन का ऑर्डर रहते हैं, ऑर्डर रहता है तो कोई इसमें नहीं रहेगा। पेज में आपका आएगा स्लाइटली बिटर, ठीक है। ये टेस्ट है, टेस्ट होगा ये होगा आपका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर टेस्ट है, अगर टेस्ट आपका स्लाइटली बिटर टेस्ट रहेगा तो ऑलरेडी है इसका सॉल्युबल इन इथेनॉल बिटर एसीटोन एस्टर, ठीक है। इसमें क्या रहेगा सॉल्युबल रहेगा और फॉर्चुनेट सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फॉर्चुनेट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है कम सॉल्युबल। इसका क्या सपोर्ट होता है, सपोर्ट होता है, सपोर्ट रहेगा कितना रहेगा, ठीक
डेली देना है 75 to 150 में डेली के कितने में लेना है 3 or 4 times है ना, 4 और इतने वो लेना है आपको, डिवाइड करके लेना है 4 divided by 4 तो क्या लेना है लेना है यूज है इसका मॉडरेट टू सीवियर पेन, मॉडरेट टू सीवियर पेन में देते हैं इसको टेंडरनेस स्वेलिंग इंफ्लेमेशन और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस में देंगे और रूमेटाइड आर्थराइटिस दोनों में देते हैं। ठीक है, इसमें कितना ये हो गया आपका दो हो गया कितना एक हो गया 3 का। नेक्स्ट है फिनाइल ग्लूटाजीन, फिनाइल ग्लूटाजोन, इसे फिनाइल ग्लूटाजीन को कहते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी का सर ये क्या रहेगा, व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है। ठीक है, और ये पाउडर रहेगा आपका ऑर्डर टेस्टलेस, कोई भी टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस जाने में लाइटली भी तो नहीं दिखती हो, लाइटली बिटर टेस्ट। ठीक है, लाइटली बिटर टेस्ट लेंगे, सॉल्युबिलिटी फ्रीली सोल्यूबल इन एसीटोन ईथर, एसीटोन ईथर एंड इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, फ्रीली सोल्यूबल रहेगा एसीटोन ईथर और इथाइल एसीटेट में, ये क्या रहेगा, फ्रीली सोल्यूबल रहेगा।
डोसेज में आपका रहेगा 100 एमजी रहेगा, ये इसमें रहेगा कैप्सूलेंट टैबलेट, कैप्सूलेंट टैबलेट फॉर्म में रहेगा 100 एमजी, ठीक है। डोसेज इसका रहेगा, ग्रुप इसका आप देखेंगे इंट्रामस्कुलर पेन, इंट्रामस्कुलर पेन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी इसका क्या करते हैं, यूज रहता है। इंफ्लेमेशन एंड पेन, रूमेटाइड आर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंड इसमें रहेगा आपका मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। नेक्स्ट है ऑक्सीपेन ग्लूटाथियोन, दैट इज ऑक्सीपेन ग्लूटाथियोन। इसका आपको ऑरेंज स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, पहले के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है ना, पहले के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट है, यहां पर क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। सॉरी क्लोराइड ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सी में आपका ओ और एच, ओ एच आएगा तभी वो क्या होगा ऑक्सीफेन ग्लूटाथियोन, ये होगा फिनाइल ग्लूटाथियोन, और सिर्फ यहाँ पर ओ एच आएगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सीफेन ग्लूटाथियोन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी है 4-butyl-1 इन ब्रैकेट 4-hydroxy फिनाइल, 2-phenyl, pyrazinine, pyrazolidine, 3,5-diamine, ठीक है। 4-butyl-4-hydroxyphenyl plus 2-phenyl pyrazolidine 3,5-diamine, ये इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट है आइसोप्रोपन, आइसोप्रोपन का है ऐसा फिर ऐसा, तो इसका आइसोप्रोपन का 2-methylpropyl-phenyl-propionic acid, ठीक है। इसको क्या नाम जाएगा 2,4-2-methylpropyl-phenyl बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्रोपियोनिक एसिड, ये इसका आइसोप्रोपेन का नाम होगा।
ठीक है, आईपीसी नेक्स्ट है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का स्ट्रक्चर है यहां पर आयोडीन ओएच, फिर आयोडीन ये कनेक्ट हो ऑक्सीजन, आयोडीन ये भी आयोडीन, तो इसके नाम हो जाएगा टू एमिनो थ्री इन ब्रैकेट फोर इन ब्रैकेट फोर हाइड्रोक्सी थ्री फाइव डाइओल डाई हाइड्रोफिनॉक्सी डाई हाइड्रो फिनॉक्सी इसका आगे है थ्री फाइव डाइहाइड्रोफिनाइल ब्रैकेट प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड इसका हो जाएगा टू एमिनो थ्री बड़ा ब्रैकेट में फोर एंड स्मॉल ब्रैकेट में फोर हाइड्रोक्सी थ्री फाइव डाई हाइड्रोफिनॉक्सी ब्रैकेट क्लोज देन थ्री फाइव डाई हाइड्रोफिनॉइल बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्रोपियोनिक एसिड, ये इसका हो गया थायरॉक्सिन का आईओपीसी नेम। ठीक है, थैंक यू।